आज ये भी क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। आज की तस्वीरों में नरेंद्र मोदी को लेकर इन दोनों का कमिटमेंट नजर आया। दोनों नेताओं की बातों में नरेंद्र मोदी के लिए ट्रस्ट नजर आया, विश्वास नजर आया। दोनों नेता नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं ये दिखा, क्योंकि ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश ना करते। आप ये तस्वीर देखिए, इसकी देश भर में चर्चा है बॉस, कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर यही है, जब नीतीश कुमार एनडीए के मंच से बोलकर नरेंद्र मोदी के पास आए तो वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुक गए, लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी अमूमन करते हैं उन्होंने उन्हें रोक लिया, पैर छूने नहीं दिया। इस तस्वीर की हर जगह चर्चा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। एक बार पहले इसका वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ क्यों। मैं एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी, शिवसेना के हमारे एनडीए के देखिए, पॉलिटिक्स में एक एक बात, एक एक तस्वीर का मतलब होता है। आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के पैर छुए। इससे पहले तो नहीं छुए, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार मिल रहे हैं, और आज की डेट में तो वो किंग मेकर के रोल में है। फिर भी अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार इस बार कमिटेड है, क्योंकि पैर छूने का कोई दूसरा मायने नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप उम्र देखिए, वरिष्ठता देखिए, अनुभव देखिए, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों लगभग करीब करीब हर चीज में बराबर हैं। नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं, नीतीश कुमार 73 साल के हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा एज का डिफरेंस है कि उन्होंने पैर छू लिया। दोनों ही नेताओं ने 70 के दशक में एक्टिव पॉलिटिक्स की, एक्टिव राजनीति की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार पहली बार 2001 में बिहार के सीएम बने, नरेंद्र मोदी पहली बार साल 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यानी अनुभव, उम्र और वरिष्ठता करीब करीब बराबर है। उसके बावजूद अगर पैर छू रहे हैं सबके सामने, तो इसका मैसेज बड़ा है। नीतीश कुमार क्योंकि नेता हैं, तो राजनीति में कई मैसेज बिना कहे बॉडी लैंग्वेज से दिया जाता है, और नीतीश कुमार ने यही तरीका चुना। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पांव छूकर न सिर्फ एनडीए को बल्कि इंडी गठबंधन को भी यह संदेश दे दिया कि वो अब सरेंडर मोड में है और उन्हें नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर है। जबकि कल से यह नैरेटिव चल रहा था कि देखिए जेडीयू खेल कर देगी, जेडीयू ने अग्निवीर पर सवाल उठा दिया, जेडीयू यूसीसी को लागू नहीं होने देगी, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पांव छूकर क्लियर मैसेज देने की कोशिश की कि कुछ खेल नहीं करने वाले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इस गठबंधन का लीडर कौन है। भाई किंग मेकर किसी को भी बताइए, लेकिन किंग मेकर लीडर नहीं है इस सरकार में, लीडर नरेंद्र मोदी ही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस तस्वीर में स्पष्ट कर दी कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार उनके आशीर्वाद से नहीं चल रही, बल्कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर गठबंधन के साथ ही काम शुरू करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा मैसेज है कि किंग मेकर्स की आशीर्वाद से सरकार नहीं चलेगी, मोदी के आशीर्वाद से किंग मेकर्स काम करेंगे। राजनीति में एक तस्वीर से सोचिए कितने संदेश दिए जाते हैं। आज नीतीश कुमार ने खुद ये बात कही, भरोसा जताया कि वो कहीं नहीं जाने वाले। एक बार नीतीश कुमार को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की एक और तस्वीर जिससे कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो गई। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। अगर आप आज की तस्वीरें ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तीनों की केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही थी। आज तीनों नेता एकदम रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं। देखिए बातचीत किस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सभी एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी तरह का कोई तनाव है, टकराव है, मनमुटाव है, कोई
टेंशन है। तीनों नेता बातचीत जब कर रहे हैं तो वो रिलैक्स मोड में देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, टीम की तरह बात कर रहे हैं। और आप नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए, वो एकदम रिलैक्स भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह ही आज चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ की। चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी के पुराने संबंध रहे, चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन सरकारों का भी बहुत अनुभव रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन सरकार चलाने में चंद्रबाबू नायडू कोई रुकावट पैदा करेंगे इसकी संभावना कम दिखती है। चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी के वैसे ही बड़े फैन, आज उन्होंने एनडीए की मीटिंग में भी नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया कि नरेंद्र मोदी के पास विजन और जोश है, उनका क्रियान्वयन बहुत सही है, वो अपनी सभी नीतियों को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं। आज भारत के पास सही नेता है और वो नरेंद्र मोदी है। ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप अभी चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। यानी नायडू का भी मैसेज क्लियर है कि नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड है, वो जैसे चाहें वैसे सरकार चला सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी नीतियां हों उसे लागू करने में गठबंधन किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा। इन बातों का मतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी पर सहयोगियों की तरफ से मंत्री पदों को लेकर कोई ज्यादा दबाव नहीं। पहले लोग ये बात कर रहे थे कि ये सब सहयोगी अपनी डिमांड लिस्ट लाएंगे और नरेंद्र मोदी को प्रेशर में लाकर उनसे अपनी बातें मनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल होता दिख नहीं रहा। खुद नरेंद्र मोदी ने भी आज क्लियर कर दिया कि मंत्री पद को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं किसी अफवाह पर कोई ना जाए, ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलेगा, जो होगा वो बैठकर उनकी टीम सही निर्णय ले लेगी। एक बार सुनिए नरेंद्र मोदी को, फिर यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आज उन्होंने भिगो भिगो कर इंडी गठबंधन को धोया है। पिछले दो दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। अफवाहों से दूर रहें, ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। आगे बढ़ने से पहले एक ग्राफिक्स जो गड़बड़ चल गया वो आपको बता दूं। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और नरेंद्र मोदी 2001 में बने थे। खैर आगे बढ़ते हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के गठन की बात है, तो सारी औपचारिकताएं होने के बाद, पूरी होने के बाद लगातार मीटिंग हो रही है। एनडीए के सभी सहयोगी दल एक एक करके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात करके निकल रहे। इस बैठक में सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में कितने विभाग मिलेंगे इसकी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण 9 तारीख को होना है और अब सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है। इस वक्त पीएम मोदी के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि टीडीपी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, ये सूत्र कह रहे हैं, और जेडीयू को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। शिंदे और अजीत पवार को, गुट को एक एक मंत्री पद, ये सूत्रों का दावा है, और चिराग की पार्टी को भी एक मंत्री पद मिलेगा, ये सूत्र बता रहे हैं। एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों का नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण और एकजुटता को देखकर इंडी गठबंधन परेशान हो गया, क्योंकि इंडी गठबंधन को तो यही आस थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके पाले में आ जाएंगे, या फिर ये दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी को मजबूरी वाली सरकार चलाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिख तो नहीं रहा है, इसलिए इंडी गठबंधन की बौखलाहट बढ़ रही है। वो हर तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भड़काने में लगे, और ये लोगों के बीच भी नैरेटिव फैला रहे कि नरेंद्र मोदी अब खुलकर सरकार नहीं चला पाएंगे। आज एनडीए की बैठक खत्म होने के ठीक बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, जिसमें एक ग्राफिकल इमेज के जरिए यह दिखाया गया कि कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेथ ने भी आज एक ट्वीट किया, जिसमें ग्राफिकल इमेज के जरिए यह दिखाया गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ड्राइविंग सीट पर बैठकर टेम्पो चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी पीछे बैठे हुए। कांग्रेस की बौखलाहट इस हद तक पहुंच गई कि नीतीश कुमार के पांव छूने वाली तस्वीरों पर वो अजीब बयान दे रही है। एक बार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए,
फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार के बाद किसने नरेंद्र मोदी के पांव छू लिए। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों बायोलॉजिकल हैं या वो ये भी अवतार है? क्योंकि अकेले बेचारे नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल, एक तरफ एक बायोलॉजिकल आदमी, दूसरी तरफ दूसरा बायोलॉजिकल आदमी, बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आप लोगों? डर भी रहे थे, मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी जब ये पांव छूने जा रहे थे, उन्हें लगा कहीं पांव खींच न लें, तो वो डर था। जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल्स बातें करते हैं, वैसे बातें कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रही। ऐसी बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा कि नीतीश कुमार मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। नीतीश कुमार ने तो आज ये भी कह दिया कि पीएम मोदी ने देश की सेवा की है और जो काम बाकी रह गए हैं वो काम आगे पूरा करेंगे। नीतीश